यही सब सोचकर यहाँ बरसों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दिनांक 27 सितंबर 1991 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही इनके बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने देश में या हिंदू धर्म में या जातिवादी या गैर बराबरी वाली वर्ण व्यवस्था के शिकार करोड़ों लोगों को अर्थात यहाँ दलितों आदिवासियों अन्य पिछले वर्गों आदि को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए इन्हें भारतीय संविधान में खासकर सरकारी नौकरियों में आरक्षण वे अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं तो ये सब देन या कांग्रेस नेहरू गांधी पर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है और ना ही इनके किसी भी देवी देवता वह भगवान आदि की ही है बल्कि पूरी की पूरी देव इनके यहाँ एकमात्र रहे मसीहा वह भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके द्वारा इन वर्गों को दी गई सुविधाओं को अब ये सभी विरोधी पार्टियां किसी न किसी रूप में इन्हें प्रभावी निष्प्रभावी बनाने में खत्म करने में ही लगी हुई और इसी मानसिकता के तहत चलकर अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपनी अपनी सरकारों में इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपने बड़े बड़े मंत्रालयों के अधिकांश कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनके आरक्षण को भी कम करने में लगी हुई है। ये बात भी आप लोगों से छिपी हुई नहीं है जबकि इनके पदों में आरक्षण को तो इन्होंने पहले ही काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया है और इनका आरक्षण का कोटा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है और इतना ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो इन्होंने अपने वोटों के स्वार्थ में इन्हें खासकर बीएसपी से दूर रखने के लिए अभी तक भी ऐसा सताया हुआ है ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ है जैसे बीएसपी इन वर्गों को यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इनको आरक्षण दिए जाने के जैसे खिलाफ है। जबकि वास्तव में इन वर्गों के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की अंडर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में क्या अहम भूमिका बहुजन समाज पार्टी की है। इसके लिए बीएसपी को काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है और इस संबंध में यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने अंडर कमीशन की रिपोर्ट आ गई जिसे पार्टी की सरकार ने केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति अपनी हीन जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर इसे लागू नहीं किया था। आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद तो केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है राज्यों में भी केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अच्छे प्रयासों से भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 के तहत तो अंडर कमीशन बैठा था किसके लिए तो अति पिछड़े वर्ग के लोग तो रह गए थे वंचित रह गए थे जिन कारणों की वजह से वो आप लोगों को मालूम है उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी ऐसी वर्गों के लोगों को शिक्षा सरकारी नौकरियों और अन्य और क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा दिलाने के साथ साथ जो जातियां छूट गई थी
एससी एसटी की तरह ही तो शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो जातियां पिछड़ी हुई थी इन्हें आज अन्य पिछड़े वर्गों के नाम से जानते हैं, तो इनको आरक्षण की सुविधा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की थी। इसके तहत मंडल कमीशन का गठन किया गया था और केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, हमारी पार्टी भी बन गई थी। तो हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार के ऊपर, कांग्रेस पावर में थी तो केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। तब फिर हमारी पार्टी ने पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए तो कांग्रेस और केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली देश की राजधानी है, वोट क्लब पर हमारी पार्टी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए 6 महीने तक लगभग 6 महीने तक देश में 1989 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसके स्थान पर फिर जनता दल के नेता श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी। इसको उस समय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने विभाग से अपना समर्थन किया हुआ था और उस दौरान हमारी पार्टी के भी तो लोकसभा में पहली बार तो 3 सांसद चुनकर आए थे, जिसमें मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से जिला बिजनौर के जो बिजनौर लोकसभा सीट सीट है तो वहाँ से मैं पहली बार 1989 में लोकसभा की सदस्य चुनकर आई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह के चाहते थे कि बीएसपी या तो उनकी सरकार में शामिल हो जाए या फिर इनको बाहर से अपना समर्थन दे दे। इस पर फिर हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से सोच विचार किया और हमने फिर उस समय श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमारे 2 शर्तें हैं, यदि आप हमारी 2 शर्तें मान लेते हैं तो हम आपको सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन भाषण समर्थन दे देंगे। अरे शर्तें हैं कि केंद्र में लंबे अरसे तक आजादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी पावर में रहे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश भर में तो आंदोलन करते रहे, इस बात को लेकर कांग्रेस से आग्रह करते रहे, विशेष आग्रह करते रहे केंद्र की सरकार से उस समय कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से उस समय सम्मानित नहीं किया था। तो हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमारी पहली शर्त यह है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करें और दूसरी शर्त यह है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में तो पिछले वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है तो आप उसे लागू कर दें। यदि आप हमारी ये 2 शर्तें खास मान लेते हैं तो हम आपको भाषण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और अच्छी बात ये रही उस समय कि श्री बीपी सिंह ने हमारी इन दोनों शर्तों को मान लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी जो भारत से श्री बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी
तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब अच्छा नहीं लगा और नतीजा क्या हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी ने श्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी लेकर इनकी सरकार को गिरा दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने का तो पूरे देश भर में इसका जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया, लेकिन अब केंद्र में वर्तमान बीजेपी की सरकार इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में, तो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में आए दिन या किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। और इसका ताजा उदाहरण यह है कि आप जब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का समय बहुत कम रह गया है, तो अब इनको यहाँ अचानक पिछड़े वर्ग के हित में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात आ गई। इसके साथ ही अब इन वर्गों की दो कैटेगरी बनाने के लिए आयोग गठित करने की भी इनको याद आ गई है। और ये सब केवल इनका अपना राजनीतिक स्वार्थ या हथकंडाई है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जबकि केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार के चलते हुए इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने पर उस समय बीजेपी ने इनकी सरकार गिरा दी थी, और साथ ही इसके विरोध में फिर उन्होंने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। ऐसी स्थिति में अब अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इनके इस सब प्रलोभन पर लालच आदि के बहकावे में हमें फिर आगे के लिए थोड़ी राहत की उम्मीद भी बनी है। इसके साथ साथ यहाँ मेरा इनकी धांधली बेईमानी को लेकर खासकर बीजेपी के लोगों से ये भी कहना है, यदि बीजेपी के लोग अपने आप को पूरे तौर से ईमानदार में धूप के धुले हुए समझते हैं तो तब फिर ये लोग पूरे देश में यहाँ आगे होने वाले सभी चुनाव ईवीएम से ना कराकर यहाँ पुराने पैटर्न पर ही अर्थात बैलेट पेपर के जरिए ही करवाने से क्यों घबराते हैं, तो इससे क्यों ये लोग दूर भागते हैं, इसका मतलब जरूर उस दाल में काला दाल में बहुत ज्यादा काला। ऐसी स्थिति में इसे अब ये काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि देश में खासकर सन 2014 से अभी तक जो भी ईवीएम के जरिए चुनाव हुए हैं तो उनमें अधिकांश इन्होंने कुछ ना कुछ बेईमानी में गड़बड़ी आदि जरूर की है। इसे ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के मामले में अभी तक की पूरे तौर से चुप भी साधे हुए हैं। और आप लोगों को हालांकि हमारी पार्टी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी हमारी पार्टी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी व जातिवादी पार्टियों के लोग जब से बीएसपी का गठन हुआ 14 अप्रैल 1984 को, तो बीएसपी के गठन के बाद से ही बीएसपी के बनने के बाद से ही क्या सभी विरोधी व जातिवादी पार्टियों के लोग किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए। और इस बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि जब 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था तो तब शुरू के कई वर्षों तक खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी के बारे में जानबूझकर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत तो उनके छवि को धूमिल करने या बीएसपी को कमजोर करने के लिए ही आए दिन समय उन पर ये अति गंभीर आरोप लगाते रहते थे माननीय कांशीराम जी के बारे में कि इनके पास अपनी पार्टी को यानी कि बीएसपी को चलाने के लिए पैसा बाहर के देशों से आता है, प्रचार करते थे कांग्रेस पार्टी कंपनी के लोग, और ये सीआईए के बड़े भारी एजेंट भी।
माने वो काशीराम जी के बारे में एक गलत प्रचार कर रहे थे आप लोगों को मालूम है, ताकि इनसे जुड़े लोग माने वो श्री काशीराम जी और बीएसपी से जुड़े लोग विरोधी पार्टियों के इन आरोपों से गुमराह होकर फिर इनके आर्थिक मदद न कर सके। और अब इसी षड्यंत्र रणनीति के तहत ही ये विरोधी लोग मेरे खुद की भी छवि को धूमिल करने, बीएसपी को कमजोर करने के लिए ही अपनी पार्टी की आर्थिक मदद हेतु समय समय पर इकट्ठा किए जाने वाले धन को भी काफी गलत तरीके से प्रचारित करते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग मेरे जन्मदिन पर या पार्टी के प्रोग्राम के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं अपने मूवमेंट को चलाने के लिए, तो विरोधी पार्टियों के लोग इसका अलग तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि हमारी पार्टी अपनी मूवमेंट को चलाने के लिए या सरकार को तैयार करने के लिए दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं से उनकी खून पसीने की कमाई का थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर अपनी पार्टी को चला रही है, संकल्प को चला रही है, मूवमेंट को चला रही है और चुनाव भी लड़ती है। हमारी पार्टी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा क्यों नहीं लेती है, कि जिस दिन हम विरोधी पार्टियों की तरह कांग्रेस पार्टी बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर अपनी पार्टी को चलाएंगे, तो आप लोगों को मालूम है सहारे के साथ साथ इशारा भी आ जाएगा, तो फिर हम लोग जब अपनी सरकार चलाएंगे तो फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के हिसाब से नीति बनाएंगे, उसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। और यदि आप लोग गरीब लोग मध्यम वर्ग के लोग अपना भला चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़े बड़े पूंजीपतियों से दूसरी पार्टियों की तरह पैसा ना लेकर, तो जब भी आपको पार्टी को आर्थिक सहयोग देने के लिए जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसको ईमानदारी निष्ठा से आप लोगों को निभाना चाहिए। ये भी मेरी आप लोगों से अपील है। और ये मालूम है विरोधी पार्टियों को कि बीएसपी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या माननीय काशीराम जी जब जीती थे जब पार्टी बनी थी उनके बारे में गलत प्रचार करते थे, और जब आप लोग मुझे आर्थिक सहयोग देते हैं तो फिर गलत प्रचार कर रहे हैं, ताकि आप लोग बीएसपी को आर्थिक सहयोग देना बंद करें, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए विरोधी पार्टियों को कि यदि मुझे अपने खुद के लिए धन दौलत इकट्ठा करने का लालच एवं स्वार्थ आदि होता तो तब फिर मैं भी दूसरी पार्टियों की तरह ही आपके यहाँ दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक एक राज्यसभा की सीट के लिए वहां काफी मोटी रकम लेकर केवल धरना सेठों को ही राज्यसभा में बिठा सकती हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने चाहे राज्यसभा में अपने लोगों को भेजा है या विधान परिषद में मैंने जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने जरूर काम किया। आपके बीच में श्री धर्मवीर सिंह का तो क्या मौजूद है, इनको मैंने विधान परिषद में भेजा ये बता दें कि कितना पैसा इन्होंने दिया है, एक पैसा नहीं बल्कि नामांकन की फीस भी हमारे पार्टी कार्यालय। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी पार्टी चाहे राज्यसभा में कार्य भेजने का मामला हो या विधान परिषद में, हम जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजते हैं। और यदि हमें पैसे का लालच होता, मुझे खास तौर से जब से चार बार हमारी सरकार बनी है और
में भेजा है, मैं तो बहुत पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई के ऊपर ही हमें निर्भर रहकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा। और जब राज्यसभा में हमें लोग चुनकर भेजने और विधान परिषद में, तो हमें फिर दूसरी पार्टियों की तरह तो बड़े बड़े धरना से लोगों ने ही बल्कि बीएसपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही हमें भेजना है, और अभी तक हमने ऐसे लोगों को ही चुनकर दिया। इस प्रकार से इनके ऐसे अनेकों और सभी षड्यंत्रों हथकंडों आदि से भी अपनी पार्टी के लोगों को हमेशा सावधान रहना है, तभी फिर हमारी पार्टी आगे बढ़ सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोगों ने मेरी आज बताई गई सभी बातों पर अमल करके मैं अपने दिल्ली यहाँ अपने दिल्ली प्रदेश में अपनी पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बड़े पैमाने पर बढ़ा लिया, और यहाँ आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में, प्रदेश में आगे होने वाले लोकसभा चुनाव में भी सभी विरोधी पार्टियों को वे खासकर बीजेपी को कमजोर कर दिया, तथा अपनी खुद की पार्टी बीएसपी को मजबूत बना लिया, तो तब फिर मैं यही मानकर चलूंगी कि आप लोगों ने मेरे राज्यसभा से दिए गए इस्तीफे का भी इनसे अपना ब्याज से करना भी। और अब अंत में आपको ये भी सचेत कर देना चाहती हूँ कि इस बार देश में लोकसभा के आम चुनाव समय से पहले भी होने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके तो 20 विधायक है, तो वो उनकी मेंबरशिप वो चली गई है, इसको लेकर ये कोर्ट कचहरी में गए हैं, और भी विधायकों के मामला जो है वो संदिग्ध है, मतलब वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो 20 विधायकों की जिस सरकार पर उनकी मेंबरशिप गई है, तो ऐसे ये लोग कोर्ट में गए हैं, तो हो सकता है कि चुनाव से बचने के लिए तो आम आदमी पार्टी भी तो असेंबली यहाँ समय से पहले चुनाव कराने के लिए असेंबली विरोध करके यहाँ लोकसभा के साथ यहाँ के विधानसभा चुनाव करा दे, ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन यदि नहीं भी कराती है, आम आदमी पार्टी असेंबली बंद नहीं करती है और समय से चुनाव होता है, तो उससे पहले जिन भी सीटों पर इनके जो विधायक है तो जिनकी मेंबरशिप खारिज कर दी गई है, तो उन सीटों पर तो चुनाव जरूर होगा, उन सीटों पर चुनाव जरूर होगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है बाई इलेक्शन होगा, तो वैसे तो हम लोग बाई इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये जो 20 सीटें हैं काफी ज्यादा सीटें हैं, तो हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश में ये 20 सीटों पर बाई इलेक्शन, तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमने दिल्ली प्रदेश को कई जोन में बांटा हुआ है, ये 20 सीटें जिस भी जोन में आती हैं, तो जोन के इंचार्जों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सीटों को तैयार करें, और ये 20 सीटें हम लोग अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने तो ताली बजाकर मेरी बात का स्वागत किया है, मुझे अच्छा लगेगा यदि 20 सीटों में से आप ज्यादा से ज्यादा सीटें आप लोग बीएसपी के लिए जिताकर तैयार हैं। तो ये इस सारी बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को आज की हुई इस आपका जो दिल्ली प्रदेश का जो ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो इसके कामयाब होने के बाद आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया है, तो इसके बाद अब आप लोगों को बिल्कुल भी आराम से बैठ
खड़े होकर नहीं बैठना है, बल्कि आपको एक दो दिन के बाद से ही अपनी पार्टी के कार्यों में जी जान से जा रहा है। और खास तौर से जिन 20 सीटों पर भाई इलेक्शन होना है उधर आपको रात दिन मेहनत कर क्षेत्र को तैयार करना है, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसके साथ साथ ही चुनाव के साथ साथ जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं, तभी फिर आप लोग अपने दिल्ली प्रदेश में यहाँ आगे होने वाले सभी चुनावों में अपनी पार्टी का अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी क्या बात।